आज विपक्षी पार्टी का प्रस्ताव आने वाला है, इसलिए विपक्ष किसानों के नुकसान, कानून व्यवस्था, शिंदे सरकार की स्थापना के मुद्दे पर आक्रामक होगा। वही आक्रामकता हॉल के बाहर भी देखने को मिलेगी। ये विरोध सुबह 10 बजे से पहले विपक्ष द्वारा सदन की सीढ़ियों पर होगा। सत्र कल सुबह 11 बजे शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने अभिनंदन प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी थी। इस बीच विधानसभा का कामकाज दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता अजित पवार के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई दी। अजित पवार ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वजह से महिला शिक्षा और महिला अधिकारों को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ आज के सत्र में नवनिर्वाचित मंत्री का परिचय कराया गया। मानसून सत्र के पहले दिन 25,826 करोड़ की अतिरिक्त मांगे पेश की गई। राज्य सरकार ने राज्य में भारी बारिश के कारण नुकसान झेल रहे किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।